दिल्ली वासियों का सफर होगा और आसान। शहर की सड़कों पर उतरी 50 CNG बसें। दिल्ली वासियों का सफर अब और आसान हो जाएगा। दरअसल दिवाली से पहले दिल्ली सरकार ने लोगों को तोहफा देते हुए 50 CNG बसों को सड़कों पर उतारा है। इसके लिए राजघाट डिपो में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही 20 इनोवा कार और 36 बुलेट मोटरसाइकिलों को भी हरी झंडी दिखाई गई। दरअसल इनोवा कारें और मोटरसाइकिलों को नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालान के लिए लगाई जाने वाली टीमों के लिए उपयोग किया जाएगा। अकुशल कामगारों को सीएम मान का तोहफा, न्यूनतम मजदूरी में 715 रुपए की वृद्धि की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने निर्माण और गैर हुनरमंद कामगारों को दिवाली का तोहफा देते हुए न्यूनतम मजदूरी में 715 रुपए की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इससे गैर हुनरमंद कामगारों का न्यूनतम मेहनताना 9,192 से बढ़ाकर 9,907 रुपए, जबकि अर्ध हुनरमंदों का न्यूनतम मेहनताना 9,972 से बढ़ाकर 10,687 रुपए कर दिया गया है। हरियाणा में पटाखे बनाने, चलाने और बेचने पर बैन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हुआ सख्त। हरियाणा में इस बार दिवाली पर लोग पटाखे नहीं चला सकेंगे। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटाखे बनाने, बेचने और चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध आगामी आदेश तक रहेगा। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इस बार बोर्ड ने 2 घंटे तक भी पटाखे चलाने की मोहलत नहीं देकर सख्त रवैया अपना लिया है। हालांकि बोर्ड ने केवल ग्रीन पटाखे चलाने की छूट दी है। इस संबंध में सभी जिला उपायुक्तों को पत्र लिखकर इसका सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया है। पिछले साल के मुकाबले इस बार 3 गुना कम जली पराली, जागरूकता अभियान का दिखने लगा असर। दिल्ली और NCR में बढ़ते प्रदूषण के लिए हर साल जिम्मेदार ठहराए जाने वाले किसानों में अब बदलाव हो रहा है। ये जागरूकता का ही असर है कि इस बार हरियाणा में खेतों में पराली जलाने के मामले कम सामने आ रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार पिछले साल के मुकाबले अब तक 3 गुना कम केस सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार पिछले साल इस समय तक 250 से अधिक स्थानों पर पराली जलाई गई थी, लेकिन इस साल प्रदेश में कुल 80 स्थानों पर ही पराली जलने की रिपोर्ट आई है। कृषि विभाग के अधिकारी इसे सकारात्मक संकेत बता रहे हैं। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।